हेलो गाइस, आज का टॉपिक है कर्मा। आपने बहुत बारी सुना होगा कर्मा, पर आपको कर्मा हमें ये देखना पड़ेगा कर्मा ऑनगोइंग है या कर्मा इसी जन्म में हमारा खत्म हो जाता है। कभी कभी देखा होता है कि हमने कुछ भी नहीं करा होता पर एकदम से बहुत चीजें आती है और वो इम्पैक्ट कर जाती है आपको लाइफ को। फिर आप बोलते हो कि हमने तो कभी कुछ करा नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और कभी आप देखते हो न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है और इमीजिएटली उसके हार्ट में कोई होल होता है या कोई डिसीज के साथ बॉर्न होता है, फिर हम बोलते हैं इस बेचारे छोटे बच्चे ने तो कुछ भी नहीं करा तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी देखते हो कि सब कुछ सही चल रहा होता है, एकदम से उस बंदे को 30-40 साल के बाद उसको एक बीमारी आ जाती है तो बोलते हैं इसने तो कुछ नहीं करा था, ऐसा क्यों हुआ। ये तो कुछ दारू भी नहीं पीता था, ये तो स्मोक भी नहीं करता था, बड़ा हेल्दी पर्सन था, बड़ी अच्छी लाइफ स्टाइल थी, फिर भी उसको एक मेडिकल डिसीज की प्रॉब्लम हो गई। हमें समझ नहीं आता ऐसा होता क्यों है, पर आप समझो कर्मा एक ऑनगोइंग प्रोसीजर है। सो एक सोल होती है, सोल का जो होता है वो कर्मा का लिंक्ड होता है, तो सोल और कर्मा इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। सोल कभी खत्म नहीं होती और कर्मा भी आपके खत्म नहीं होते। कर्मा आपके जनरेट होते हैं बाय योर एक्शंस एंड वो यूटिलाइज होते हैं बाय योर रिएक्शंस, तो ऑनगोइंग चलता रहता है। तो सपोज मेरी जैसे ह्यूमन बीइंग की 100 साल लाइफ होती है, तो सपोज मेरी मृत्यु 70 साल में होनी थी, तो जब मेरी मृत्यु 70 साल में होनी थी और एक मुझे बीमारी लगनी थी 71 ईयर में, तो जैसी मैं 69 ईयर का था मैं सब कुछ सही था, 70 ईयर में जैसी आया मैं मर गया। जब मैंने फिर मरने के बाद जब मैंने अपना शरीर छोड़ा तो मेरी जो आत्मा थी साथ में मेरा जो कर्मा था वो तो कभी खत्म नहीं होते, वो तो 71 ईयर्स पर पहुंची, पर तब जब तक वो 71 ईयर पर पहुंची तब तक उसकी बॉडी एक नया फॉर्म पर ले चुकी थी। तो अगर उसको बॉडी ह्यूमन फॉर्म में मिलती है तो जैसी उसे नई बॉडी मिलती है और जैसी वो 71 साल का होता है तो तभी आप देखना छोटे बच्चे को एक बीमारी हो जाती है। तो कर्मा क्योंकि ऑनगोइंग है, सोल ऑनगोइंग है बट बॉडी एक चेंज हुई है, तो ये आपको एक समझना पड़ेगा इन चीजों को। ये एक प्रोसीजर हो गया। कर्मा कभी भी आपके इमोशंस पर डिपेंड नहीं करता, कर्मा कभी आपके एज फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, कर्मा कभी आपके वेल्थ हाउ मच वेल्थ यू हैव उस पर डिपेंड नहीं करता, कर्मा इस पर भी डिपेंड नहीं करता। आपने हो सकता है जिंदगी में सारे अच्छे काम करो फिर भी आपका बहुत बुरा हो रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुराने कर्मा से वो आज उनका एक्चुअलाइजेशन हो रहा था, बस सिंस आप इस शरीर में हो इसलिए आपको कष्ट हो गया। सपोज आपको आपकी लाइफ 69 साल की थी, 72 इयर्स में आपको एक डिसीज लगनी थी, 69 साल में जैसे आपने शरीर छोड़ा बिल्कुल स्वस्थ है आपने शरीर छोड़ दिया। हो सकता है आपके पास आपके कर्म अच्छे नहीं थे, आपको जानवर की बॉडी मिली तो उसे कहते हैं भोग योनि। तो जानवर की योनि में सिर्फ भोगना होता है, वो प्रोसीजर डिफरेंट होता है, उनको सर्टेन प्रोसीजर करे जाते हैं उस हिसाब से वो भोगते हैं, वो फिर 84 लाख योनि के चक्रों में घूमते हैं डिपेंड अपॉन योर कर्मा। हो सकता है सारी योनि आपको घूमना पड़े, हो सकता है कुछ स्पेसिफिक योनि घूमना पड़े डिपेंड अपॉन योर कर्मा। उसके बाद जैसे ही आपको एक ह्यूमन बॉडी मिलती है फिर आपको एक फिर वो एक डिसीज मिल जाती है, तो कर्मा इज अ ऑनगोइंग प्रोसीजर एंड योर सोल इज ऑन अ ऑलगोइंग प्रोसीजर। तो आई होप ये आपको टॉपिक आपको मेरा समझ आया हो।